गाइस ये देखो हमारे को ट्रेलर्स हमारे साथ और ये आशीष भाई को तो आप जानते ही है ना। हाँ आ गए हम सीएनजी लाने के लिए। पर यहाँ देख लो जो लोग हमको नेक्स्ट पेट्रोल में मिले थे ना सारे के सारे यहाँ आ रखे, क्योंकि जो भी सीएनजी वाली गाड़ी है ना चढ़ाई पे हाफ क्लच पे चढ़ा रहे हैं, ट्रैफिक पे क्या हो रहा है हाफ क्लच पे ना सबकी गाड़ियों से धुआं आ गया देखो एकदम क्लियर आवाज आ रही है। तो हेलो मित्रों कैसे हो आप सब। फाइनली आज वो दिन आ चुका है जब हम जा रहे अपने स्नोफॉल वाले ट्रिप में। ये वाला ट्रिप ना बर्फ देखने को मिला, स्नो हो गया तो फिर तो भाई नजारे होने वाले हैं। तो यहाँ देखो अपना ब्रेकफास्ट नहीं सॉरी लंच लग रहा है क्योंकि मैं ब्लॉग ना बनाना नहीं चाहता, पर ना घर में एक हैपनिंग हुई आपको बात सुनाई जल्दी होगी। भाई मोटर खराब हो गई सुबह उठते उठते, मोटर पूरी खराब हो गई हमारी पानी की, तो मोटर ठीक करवाइए तो टाइम का टी थी टाइम लगा रहा। अपनी पैकिंग अभी करनी है क्योंकि यार घर में ये सुबह सुबह ऐसा हो गया मोटर वोटर खराब हो गई तो मोटर जस्ट अभी ठीक करवाई है। मतलब मैंने मान लीजिए ठीक करवाई है, मोटर लेके आया नई मोटर लेके आया, पता नहीं कैसे फट गई, आई थिंक फेस का कोई सिलेक्ट हुआ था तो उस वाले मैंने डाटा ट्रांसफर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फोन ना खाली करना है, स्टोरेज खाली करनी है और यहाँ पे अपना काम चल रहा है ऑफिस का, ऑफिस खत्म होती भाई निकल जाएंगे। और ये अपना प्यार था लंच, तो पहले प्यार से इस लंच को फिनिश करते हैं और अरे बिस्तर बैठ के काम कर रहा हूँ। तो यार चलो सामान पैक करते हैं, टू एक्साइटेड भाई, स्नो में जाएंगे अपन, मजा आने वाला है भाई। ब्लॉग को पूरे एंड तक देखना है, पैक करके निकलेंगे थोड़ी देर में ही। तो चलो अपने दो जोड़ी कपड़े रखना, हो गया पैकिंग। सो गाइस चलो अपना बैग पैकिंग का सारा सामान निकाल लेते हैं क्योंकि मतलब कोई पैकिंग नहीं करी है, कोई भी नहीं क्योंकि यार ऑफ कोर्स टाइम नहीं मिला, ऑफिस का काम जस्ट खत्म किया है। तो लेट्स गो, वन जैकेट, इनर, ये शर्ट, ये पैंट, वन मोर जैकेट, पजामा, इनर ठीक है तो उनका ये काम आ सकता है, ले आ सकता है अपन। एक मुझे ये शर्ट गिफ्ट करी थी किसी प्यारे इंसान ने, सोचा ये वाले भी इस पर ट्राई कर लीजिए है ना। हुडी, रेड वाली हुडी, यार कपड़े बहुत ज्यादा है और गाड़ी में जगह नहीं है, पांच लोग जा रहे हैं सतीश की नई गाड़ी में और सीएनजी पीछे से लबालब है, अब आगे कितना रह सकते हैं कितना नहीं डोंट नो, बट ठीक है कोशिश करते हैं। एक ट्राउजर, सेकेंड ट्राउजर, माइक, मफलर, बैंड, से बचने का रामबाड़ी इलाज, इतना काफी होगा। फाइनली अपन हो चुके रेडी, भाई रेडी पता नहीं कैसा बढ़िया लग रहा है, मैंने इनर पहन लिया है, इनर दो तीन दिन तक ना जो इसके अंदर इनर ब्लैक वाला है तीन दिन चलने वाले क्योंकि भाई सामान गाड़ी में लिटरली बहुत ज्यादा कम होने वाला है। बैग देखो सोचा था कम सामान हो, कम सामान होगा, ऑलरेडी बड़ा बैग हो गया और लैपटॉप का बैग मुझे रखना पड़ रहा है ड्यू टू सम रीजन। तो चलो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी, चलते फटाफट से खाना खाते हैं और फिर निकलेंगे आज के सफर पे। ऑलरेडी 9 बज चुके, जल्दी से अभी ऑफिस से जस्ट आया ही आया है तो ठीक है निकलते हैं फिर। चलो ये देखो जरा सामान नहीं, सिर्फ बैग में एक ही एक पैर कपड़े हैं और जरा सामान भरता ना तो भाई आ ही नहीं पाते, तो फिलहाल इसमें दो पैर कपड़े और लैपटॉप है और बाकी मैंने जैकेट पहन ली, एक जैकेट में लाल वाली रख ली है एमरजेंसी के लिए क्योंकि भाई बर्फ में ना वहाँ कुछ भी कभी गीला हो सकता है। और फिलहाल ये दो तीन पिल्ले सतीश की गाड़ी के लिए मैं ले जा रहा हूँ तो चलो। और ये डाटा केबल हो गई, ये दो पिल्लो तो चाहिए चाहिए, बाकी कंबल सतीश लेके आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी, ये आ गई हमारे चीता की गाड़ी, हमारे हिमाचल की सवारी, तो फिलहाल हमारे हिमाचल की सवारी तो भाई यही है, यहीं से बैक कर ले। और अपन के हाथ में देख रहे हो इतना सारा सामान है भाई गाइस, इतना सारा सामान, पर चलो ठीक है पहले गाड़ी बैक कराते हैं फिर बैठ के आप लोगों से मिलेंगे। सो गाइस यहाँ हम निकल चुके हैं बिल्कुल
फन करने के लिए भाई पहले गाना करो म्यूट। सो भाई अभी निकल गए हम, मैं सतीश अपना ड्राइवर चालू। आज पहली बार ना ट्रिप पे रहा सब मजेदार फील आ रहा ना, क्यों? क्योंकि भाई गाड़ी नहीं चलानी पड़ रही है, आगे थोड़ा देखेंगे रास्ते में चलाएंगे, बाकी पहाड़ों में थोड़ा बहुत चलाऊंगा, फिर उसका सभी डेवर करेगा। उसके बाद मजे वाला सीन तो आने वाला, क्योंकि हम जा रहे हैं ना जहाँ, मैं रिवील कर दूं क्या? चलो रिवील कर देते हैं, हम जा रहे हैं शिशु अटल टनल के आगे। भाई स्नो में लेट के वीडियो ना करना, क्योंकि जो सपना कई सालों का अधूरा रह गया था ना वो सब पूरा करके ही आएंगे। सो अभी फिलहाल आगे आशीष भाई और अमन भाई मिलेंगे, जो कि मेरे पदीना ट्रिप पे मिले थे मेरे को, वही हमको दिखने वाले हैं। तो बस थोड़ा सामान की दिक्कत होने वाली, क्योंकि सर गाड़ी में है सीएनजी, तो अभी सामान फिलहाल ऐसी रख दिया है। सो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी, लेट्स सी सब कुछ मैनेज हो जाएगा, बट चलते हैं अपने आज के सफर पे। फिर से हम एक हफ्ते बाद ना आज फिर से हम पहुंच चुके मूर्तल, और ऐसा हो सकता है कि मूर्तल में ना रुके खाना खाने के लिए। सो अभी पहले उतरने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे कि पीछे कौन कौन प्राणी बैठे हुए हैं, वैसे आप जानते हो सबको, बट फिर ब्लॉग में दिखाना बनता है ना। तो गाइस ये देखो हमारे कोटेलर्स हमारे साथ, और ये आशीष भाई को तो आप जानते ही है ना, पिछले बार आशीष भाई का थोड़ा खेल खराब हो गया था, सर सही रहेगा, टेंशन नहीं है। और भाई फिर से अपने डेस्टिनेशन पहुंच चुके अम्बिक सुखदेव, जो कि भाई ये रहा सामने हमारे, तो चलते हैं कुछ खाते पीते। भाई भीड़ देखो क्या भयंकर हो रही है यहाँ पर, तो चलो पहले अंदर चलते हैं सीट ढूंढते हैं अपने लिए। भाई कितनी भीड़ नजर आ रही है ना भाई, देखो कितनी ज्यादा भीड़ है, लेना मुश्किल ही मिलेगा टेबल, बाथरूम में भी लाइन लगानी पड़ती है। देखो सीट मिल चुकी है अपने को, बट बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा, मतलब पिछले तो हमको बढ़िया कैबिन मिल चुका है, फिलहाल कोई उठा और हम जस्ट एंटर करके बैठ गए, मतलब पीछे देख रहे हो लोग वेटिंग कर रहे हैं। बस ये देखो आ गया अपना मूर्थल के पराठे, जिसके लिए पूरी दुनिया यहाँ पर गाड़ी रोकती है। आशीष हमारे बीच में से गुम हो चुका है, तो उसको फोन किया जा रहा है खाना खा के। भाई टाइम कितना हो गया, तो ऐसे देखो हैं 7 बजे 2 बजने वाले हैं गाइस, 2 अभी नया घड़ी मिलेगा इसलिए खराब यूज कर रहे हो क्या? तो गाइस अभी यहाँ से खाना वाना खा ले, चलो निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि कुछ लोग यहाँ बत्ती लेकर हरकतें कर रहे हैं। सुबह के बज चुके हैं 7:30 और पता नहीं रात को ऐसे गाड़ी चलाते चलाते और माहौल बनाते रहते ना, इतनी बढ़िया बात है और इतने बढ़िया गाने हो रहे थे ना कि ब्लॉग बनाने का मन नहीं किया, और मतलब शूट किया करना था, क्योंकि रात को कुछ दिख नहीं था वैसे भी, और पर मस्त एकदम नींद आ चुकी है। सुबह के 7:30 हो रहा है, अभी हमने पहाड़ भी चढ़ने स्टार्ट नहीं किए अभी, और अभी आई गेस हमने जस्ट अभी मोहाली के उसके सीएनजी पंप दिख गया, लकीली उस सीएनजी पंप पे अभी वेटिंग पे खड़े हैं, बाकी लोग फ्रेश होने गए हुए हैं और मुँह हाथ धोने गए, क्योंकि मैं भी 1 घंटा सो गया था मोहाली पे ही गाड़ी ला के दिखाता है। तो यहाँ पहुँच चुके हैं अपने सीएनजी पंप पे, तो फिलहाल अभी आधी सीएनजी बट बैठा लेते हैं, पता नहीं हो सकता माइट भी लास्ट सीएनजी पंप ना हो हमारा इस रूट का, क्योंकि आगे इससे के पहाड़ स्टार्ट होने वाला है। सो अभी 2-3 गाड़ियाँ हैं, तो बाकी लोग गए हैं फ्रेश होने के लिए, और फिलहाल अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो फटाफट सीएनजी भरे और हमें बस पहाड़ों के नज़ारे देखने हैं। पोपट हो गया सबका, वॉशरूम भी एक था, फ्रेश भी नहीं हुई और सीएनजी भी नहीं भरी, तो सबका पेट ऐसे टाइट हो रहा था सुबह ना, अभी सबने वहीं जाके खाली करना है, बस सतीश ने खाली कर लिया, गंदा कर दिया साले बेडरूम को, अगले पर चलेंगे। आ गए हम सीएनजी बनाने के लिए, पर यहाँ देख लो जो लोग हमको नेक्स्ट बेडरूम में मिले थे ना सारे के सारे यहाँ आ रखे हैं, और क्या दबा के भीड़ हो रखी है यहाँ पर, थार देख रहे हो भाई, मेरी थार देख रहे हो कितनी मस्त लग रही है गाइस, देखो मेरी नई थार। मुझे लग रहा है सारे ट्रिप ना सीएनजी पहुंच जाने वाला है, कहीं कहीं पे प्रेशर ही नहीं आ रहा है, कहीं पे सीएनजी भर नहीं रही है, हम 4 जगह रुक गए पर कहीं पे सीएनजी फुल नहीं होके दे रही है। उम्मीद करता हूँ, क्योंकि लास्ट सीएनजी पंप है बॉर्डर का, इसके बाद हिमाचल के पहाड़ों को सामने वैसे दिख रहे हैं, सोचा लास्ट ट्राई और मार ली जाए, सो लेट्स सी क्या होता है। वैसे मैंने सबको हिला हिला के उतरवाया गाड़ी से, ताकि ना थोड़ी सी गाड़ी में सीएनजी ज्यादा आ जाए। ऐसे देख रहो पहाड़ों पहुंचते ही ना यहाँ लग गया ट्रैफिक, बस कुछ ही दूर आया था पहाड़ों पे आते ही सबका चपना चूर हो गया है, क्योंकि जो भी सीएनजी वाली गाड़ी है ना चढ़ाई पे हाफ क्लच पे चढ़ा रहे हैं, ट्रैफिक पे क्या हो रहा है हाफ क्लच पे ना सबकी गाड़ियों से धुआं आ गया, देखो स्कॉर्पियो वॉक्सवैगन सारी गाड़ियां फेल हो चुकी है, बस स्विफ्ट जो है बढ़िया शानदार गाड़ी चलती हुई जा रही है, तो ये चढ़ाई पे सब लोग हाफ क्लच पे गाड़ी चला रहे हैं, तो उस वजह से सबको फील हो रहा है और ट्रैफिक लगवाना है इसलिए। नाली पहुंच गए, गाड़ी पे बदबू आने लगी, सबकी गाड़ी देखो खड़ी हुई है, देखो वॉक्सवैगन स्कॉर्पियो सब ने अपनी गाड़ी खड़ी कर ली, क्योंकि एक्चुअली हाफ क्लच पे सब लोग गाड़ी चला रहे हैं ना, ऑल्टो जा रही है। हाँ देखो पर 4x4 ऑल्टो जरूर जा रही है, थार स्कॉर्पियो सब रुकी है, देखो वो देखो वो सामने देखो स्कॉर्पियो वॉक्स वैगन की भी रुक गई है, बट ऑल्टो ले ले क्या इसको बेच के, दो ऑल्टो आ जाएंगी, एक मैं रख लूंगा एक तू रख लियो, देखो
क्रेटा में भी धुआं आ गया भाई, क्रेटा में भी धुआं आ गया, बताओ है बताओ। लॉर्ड लॉर्ड ऑल्टो लेनी पड़ेगी हमको, है ना। लॉर्ड ऑल्टो सबसे बढ़िया भाई, देख लो 30 लाख की गाड़ी लेने से 4 लाख की 5-6 ऑल्टो ले लो। अभी हम पहुंच चुके हैं किसी ढाबे पे खाना खाने के लिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि भाई 10:30 बज चुके हैं सुबह के, और अभी भाई हमारी डेस्टिनेशन ना बहुत ज़्यादा दूर है, तो पता नहीं। पर ये सामने का व्यू नज़ारे देख के ना बढ़िया लग रहे थे, हमने सोचा भाई जहाँ गाड़ी देख रहे हैं वहाँ रोक दो। तो फिलहाल खाने वाने का ऑर्डर दे रहे हैं, पहले आपको खाना खाते हैं, और इस वाले ब्लॉग को ना यहीं पेंड कर दे रहे हैं। ब्लॉग ना बहुत लंबा हो गया था, पर उस टाइम गाड़ी में धुआं आया था ना, अब तो क्या धुआं नहीं रहा, मुझे लग रहा है ना जब गाड़ी चढ़ाई पर चढ़ रही थी शायद उसकी वजह से ऐसा हो रहा था, क्योंकि जब गाड़ी, क्योंकि हम हाफ क्लच पर गाड़ी छोड़ते हैं और उठाते हैं छोड़ते हैं, तो शायद क्लच पर इफेक्ट होता है और क्लच गर्म होने की वजह से धुआं छोड़ता है। तो वहाँ सब केस मैंने आप लोगों को दिखाई दिया। तो फिलहाल इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं फ्रेंड, फिर करेंगे नए वाले की शुरुआत। ब्लॉग को बने रहना भाई, और जिसने भी ये सीरीज मिस कर दी ना भाई, बहुत कुछ आप मिस करने वाले हो, स्नोफॉल मिस करने वाले हो 100%। तो स्टे ट्यून्ड माय चैनल, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।